दोस्तों, मैं आर एंड ग्लोरी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आर एंड ग्लोरी। और आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को बताएंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए बिना किस देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर अब हमको गुणनखंड बताना है कि यहाँ बहुत सारे हमको पार्ट दिए हुए जिनमें बहुपद है यानी कि पॉलिनोमियल है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल x+1, मतलब ये इसका फैक्टर है, कौन से पॉलिनोमियल का फैक्टर x+1 है, यही हमें बताना है। दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये गुणनखंड प्रमेय होता क्या है, क्योंकि दोस्तों हमको यहाँ पे गुणनखंड बताना है तो हमको ये जानना पड़ेगा दोस्तों कि गुणनखंड प्रमेय क्या होता है, गुणनखंड प्रमेय। तो दोस्तों इसके पहले की एक्सरसाइज में क्या था, शेषफल प्रमेय विधि से हम अपना सॉल्व करते थे क्वेश्चन। और उसमें हमको दिया क्या होता था दोस्तों, जैसे कोई भी हमको यहाँ पे बहुपद दे दिया होता था, जैसे x³ + x² + x+1। अब दोस्तों हमारा बहुपद है और ये x+1 मान लीजिए हमारा भाजक है, तो हमको इससे इसमें भाग देना था और जो भी हमारा आता था वो हमारा शेषफल हो जाता था। यही हम पिछले एक्सरसाइज में करते थे। तो दोस्तों उसमें यहाँ पे हमको कोई फोर्स नहीं रहता था कि 0 ही आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए, कुछ भी आ जाए दोस्तों वही हमारा शेषफल हो जाता था। लेकिन गुणनखंड प्रमेय में क्या है कि आपको बहुपद तो दिया रहेगा +x² + x+1। और दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन में वही चीज है कि इसका ये x+1 फैक्टर है या नहीं, यही हमें बताना है। तो इसमें दोस्तों बिल्कुल नेसेसरी है कि 0 ही आना चाहिए, अगर 0 आएगा तभी ये x+1 उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, और अगर 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों हम इसको गुणनखंड प्रमेय विधि से सॉल्व करते हैं। ये देखते हैं दोस्तों अपना फर्स्ट, जिसमें है x³ + x² + x+1। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा गुणनखंड है x+1, सबसे पहले हम इसको 0 के बराबर रखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे तो सबसे पहले गुणनखंड प्रमेय द्वारा, क्योंकि हम क्या यूज करेंगे, गुणनखंड प्रमेय यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x+1 = 0, उसके बाद ये हो जाएगा x = 0 - 1 और फिर x = -1। तो मतलब x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -1 मिल गई। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे कि तो x³ + x² + x+1। अब क्या मिलेगा दोस्तों, देखिए x है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा और क्यूब प्लस, क्योंकि दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां -1 लिखते जाएंगे। अब ये x है तो यहाँ पे -1² हो जाएगा प्लस, अब x है तो इसकी जगह पे भी -1 हो जाएगा ऐसे, फिर उसके बाद +1 हो गया। अब देखिए दोस्तों -1³, अब यहाँ पर हमने आपको बताया था जब कभी भी विषम संख्या की घात होती है तो माइनस नहीं लगती है, क्यों, क्योंकि दोस्तों अगर हम -1 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे, क्योंकि अगर इसकी पावर 3 यानी कि क्यूब है तो उसका मतलब इसका मल्टीप्लाई 3 बार हुआ है, तो अगर -1 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो आपको -1 ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आएगा -1, माइनस का साइन नहीं हटेगा, प्लस अब यहाँ पे -1² है और 2 क्या है, एक इवन नंबर है, तो जब सम संख्या की घात होती है तो माइनस हट जाता है, क्योंकि अगर हम -1 का मल्टीप्लाई 2 बार करते हैं तो आपको +1 मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अब 1 हो जाएगा। देन फिर देखिए कि +-1 + 1, अब क्या आएगा दोस्तों, देखिए कि अब ब्रैकेट तोड़ देते हैं तो -1 + 1, अब यहाँ पे देखिए कि +-, तो ये -1 हो जाएगा +1, अब क्या आएगा दोस्तों, देखिए अब -1 से +1 कट गया, फिर से -1 से +1 कट गया इस तरीके से। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अब यहाँ पर आंसर आपको क्या मिल गया, 0, क्योंकि दोस्तों जब सब कट ही गया तो यहाँ पे आंसर क्या मिला, 0, तो ये हो गया हमारा आंसर। हमने आपको बताया था कि जब यहाँ पे आंसर 0 आएगा तो इसका मतलब कि x+1 इस बहुपद का गुणनखंड है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हाँ x+1
इस बहुपद का गुणनखंड है, इस बहुपद का गुणनखंड है। तो मतलब दोस्तों यहाँ पे हमारा फर्स्ट सॉल्व देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा यहाँ पे सेकंड पार्ट है x^4 + x^3 + x^2 + x + 1। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि गुणनखंड प्रमेय द्वारा तो इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए कि x प्लस वन है तो इसमें सेम वही चीज होगी, इक्वल टू जीरो है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू जीरो माइनस वन, जैसे हमने पहले किया था। ये हो गया x इक्वल टू माइनस वन, मतलब इसमें भी माइनस वन ही वैल्यू आ गई, क्योंकि सब में x प्लस वन ही तो रहेगा, तो यहाँ पर हो गया माइनस वन। तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, देखिए कि इसमें यहाँ पर है x^4 + x^3 + x^2 + x + 1। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पर अपने बहुपद में उतार देंगे, x^4 + x^3 + x^2 + x + 1। अब क्या आएगा दोस्तों, देखिए कि अब यहाँ पे जो माइनस वन है, तो जहां जहां x है वहां माइनस वन लिख देंगे, यानी कि वैल्यू इनपुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा -1/4 + -1^3 + -1^2 + -1^2 + -1^1। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे ये 4 क्या है, इवन नंबर है, तो जब दोस्तों सम संख्या की घात होती है तो ये माइनस हट जाता है, जैसे हमने आपको पहले बताया था, तो ये हो जाएगा 1। उसके बाद दोस्तों प्लस, अब क्या आएगा देखिए, -1^3। तो अब दोस्तों इसमें यहाँ पे 3 क्या है, ऑड नंबर है, जैसे कि अब यहाँ पे माइनस नहीं हटेगा, क्योंकि ये ऑड नंबर, जब विषम संख्या की घात होती है तो माइनस नहीं हटता है। उसके बाद ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है। उसके बाद प्लस -1 + 1। अब क्या आएगा दोस्तों, देखिए अब यहाँ पे 1 और प्लस माइनस माइनस, तो यह हो जाएगा -1। उसके बाद +1, देन फिर से प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -1 और उसके बाद +1। तो अब इसमें यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो अब दोस्तों देखिए कि यहाँ पे 1 के पहले कोई साइन नहीं है, तो प्लस का साइन होगा, तो देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, तो मतलब ये तो कट हो गया, देन फिर से प्लस माइनस, तो ये भी कट जाएगा। अब बचा ये +1, तो इसका मतलब इक्वल टू हो जाएगा 1। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आंसर हमारा 0 नहीं है, जैसे पहले 0 आया था, तो इसका मतलब कि x+1 उस पॉलीनोमियल का क्या था, फैक्टर था, लेकिन इसमें यहाँ पर 0 नहीं आया, इसमें 1 आया है, तो इसका मतलब कि इस बहुपद का ये x+1 फैक्टर नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों कि नहीं, x+1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है, तो यहां पर दोस्तों इस तरीके से हमने इसको लिख दिया, तो मतलब सेकेंड पार्ट सॉल्व। अब देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे है हमारा थर्ड, जिसमें है x^4 + 3x^3 + 3x^2 + -1 + 1। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय द्वारा, उसके बाद x+1, ये तो हम कर ही चुके हैं, तो अब यहाँ पे इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसमें क्या आएगा दोस्तों, देखिए कि अब यहाँ पे x = 0 - 1 आ जाएगा, तो ये x = -1 हो गया। तो मतलब दोस्तों x की वैल्यू इसमें भी -1 ही आएगी, क्योंकि जब x+1 ही है तो -1 ही तो आएगा। तो अब हम लिखेंगे, अब दोस्तों यहाँ पे लिख देंगे x^4 + 3x^3 + 3x^2 + -1 + 1। अब क्या आएगा दोस्तों, देखिए कि अब यहाँ पे ये -1^4 + 3 - 1^3 - 1^2 देन उसके बाद +-1 + 1 हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए -1^4, तो 4 क्या है, इवन नंबर है, और अगर -1 का मल्टीप्लाई 4 बार किया जाए तो हमको क्या मिलेगा दोस्तों, हमको यहाँ पे
प्लस में नंबर मिलेगा यानी कि प्लस वन, तो यहाँ पे वन हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, प्लस अब थ्री है माइनस वन क्यूब, क्या आएगा माइनस वन प्लस थ्री, अब देखिए माइनस वन स्क्वायर तो वन आ जाएगा, प्लस माइनस वन प्लस वन, अब क्या आएगा दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे ब्रैकेट तोड़ देते हैं तो वन प्लस, अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, थ्री का वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री, तब उसके बाद प्लस, अब थ्री का वन में करेंगे तो थ्री, देन अब प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे वन हो जाएगा, देन फिर प्लस वन, अब क्या आएगा दोस्तों देखिए वन के पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन होगा, तो अब इसमें देखिए प्लस वन से माइनस वन कट हो गया, माइनस थ्री से प्लस थ्री कट हो गया, तब उसकी वजह यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, अब यहाँ पे प्लस वन ही तो बचा, तो इसका मतलब इक्वल टू हो जाएगा वन, तो आंसर हमारा जीरो थोड़ी ना आया, आंसर तो हमारे पास वन आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वन इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे कि नहीं x प्लस वन इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है, इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है, तो ये दोस्तों हमने लिख दिया, तो मतलब थर्ड सॉल्व, अब देख लेते हैं नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों हमारा फोर्थ पार्ट है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस अंडर रूट टू एक्स प्लस अंडर रूट टू, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय द्वारा, जिसपे ये हो जाएगा x प्लस वन इक्वल टू जीरो और उसके बाद x इक्वल टू जीरो माइनस वन, फिर यह आ जाएगा x इक्वल टू माइनस वन, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पर ये x की वैल्यू आ गई माइनस वन, तो इसमें दोस्तों यहाँ पे अब हम लिखेंगे तो x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस अंडर रूट टू एक्स प्लस अंडर रूट टू, अब देखिए दोस्तों x है इसकी जगह पे हम लिख देंगे माइनस वन क्यूब माइनस माइनस वन स्क्वायर माइनस टू प्लस अंडर रूट टू, फिर एक्स की जगह पे हो जाएगा माइनस वन प्लस अंडर रूट टू इस तरीके से, उसके बाद अब क्या आएगा दोस्तों देखिए कि अब यहाँ पर ये क्या है माइनस वन क्यूब है, तो इसमें ये हो जाएगा दोस्तों माइनस वन, माइनस वन का तो माइनस वन ही रहेगा ऐसे, और उसके बाद देखिए माइनस, अब ये हो जाएगा वन माइनस, अब देखिए ये है टू प्लस अंडर रूट टू माइनस वन प्लस अंडर रूट टू, अब क्या हम करेंगे दोस्तों देखिए कि अब यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस वन, अब क्या है दोस्तों देखिए कि अब यहाँ पर माइनस है तो दोस्तों माइनस को तो हम इसी तरीके से लिख देंगे, देन अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस हम लिख देंगे और अगर इसका मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो उतना ही आएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा टू प्लस अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू, अब क्या आएगा दोस्तों आइए अब हम इसका ब्रैकेट तोड़ देते हैं तो माइनस वन प्लस टू प्लस अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू, अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पे माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस टू, उसके बाद दोस्तों ये हो गया प्लस टू प्लस अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू, तो यहाँ पर ये तो दोस्तों हमारे पास कट गया माइनस टू और प्लस टू, ये तो कट गया लेकिन ये दोनों नहीं कटा, तो अब दोस्तों प्लस अंडर रूट टू और प्लस अंडर रूट टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू अंडर रूट टू, ये हमारे पास हो जाएगा, तो दोस्तों अब देखिए कि यहाँ पे जीरो आंसर नहीं आया, टू अंडर रूट टू आया, तो इसका मतलब कि इसमें भी जो x प्लस वन है वो इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये, तो यहाँ पे हमारा फोर्थ सॉल्व, इसी के साथ सब क्वेश्चन नंबर वन भी सॉल्व, दोस्तों इसमें हमको यही बताना था सिर्फ कि इसमें से कौन सा गुणनखंड है दोस्तों कि जिसका x प्लस वन क्या है गुणनखंड है, बस यही हमको बताना था जो हमने बता दिया, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।